बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। पटना में बिहार पुलिस के जवानों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली है। बीएमपी 5 में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी पीके ठाकुर ने जवानों से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सभी से एक संकल्प पत्र भी भराया गया। इस मौके पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की शराब नहीं पीने की उम्मीद जताई है, साथ ही पुलिसकर्मियों के शराब सेवन करने पर कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। संकल्प पढ़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है, कि अभी से आजीवन उसे पूरी निष्ठा। अभी तो जब से ये लागू हुआ है तब से तो एक भी ऐसा मेरे नज़र में ऐसा दृष्टांत नहीं है। जब से ये लागू हुआ है तब से ऐसा कोई दृष्टांत मेरे नज़र में नहीं आया है। अगर आएगा प्रकाश में तो कड़ी कार्रवाई। इधर बिहार के डीजीपी समेत 46,000 पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली है। एडीजी पुलिस मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया है कि यह सिलसिला 8 अप्रैल तक चलेगा। पुलिस महानिदेशक महोदय के सहित शराब का सेवन न करने हेतु सामूहिक रूप से संकाई बिहार पुलिस करेगी। सोमवार को पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने शराब न पीने की शपथ ली, तो आज पटना में प्रशासनिक अधिकारी भी शराब न पीने का संकल्प लेंगे। बता दें कि सोमवार को बिहार पुलिस के जवानों ने बीएमपी 5 बटालियन के मैदान में ये शपथ ली थी कि वो अब कभी शराब नहीं पिएंगे। इसका संकल्प दिलाया गया था डीजीपी पीके ठाकुर की ओर से। इससे पहले सहरसा में भी इस तरह का संकल्प दिलाया था। सहरसा के एसपी ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को, तमाम जवानों को, और इसी कड़ी में इसको बढ़ाते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग ने संकल्प लिया है। खास तौर पर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो डीजीपी पीके ठाकुर ने सबको शपथ दिलाई है कि कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, जो पुलिस पदाधिकारी हो या पुलिस का जवान हो। क्या वाकई में इसका असर दिख रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये एक बड़ा मामला है। अगर शराब नहीं पीने का संकल्प लिया जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, लेकिन इसे पूरा भी तो करना होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आज जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी संकल्प लेंगे कि वो शराब से दूर रहेंगे। हालांकि ये एक चुनौती उनके लिए ज़रूर है। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर कल की बात करें तो लगभग 600 स्थानों पर छापेमारी हुई है और लगभग 9,500 लीटर शराब जब्त किए गए हैं। 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये अभियान अभी कंटिन्यू लगातार जारी रहेगा और उसी के तहत एक संकल्प दिलाने की कोशिश की जा रही है। कल पुलिस पदाधिकारियों ने इस अभियान की शुरुआत की थी और डीजीपी ने खुद सबको संकल्प दिलाया, और आज प्रशासनिक पदाधिकारी भी संकल्प लेंगे कि वो कम से कम इस जो मदिरा पान से है वो दूर रहेंगे, और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इससे दूर रहें। तो एक बड़े पैमाने पर अभियान अभी बिहार में ये कंटिन्यू जारी रहेगा, चलता रहेगा, और उसी की कड़ी में आज का भी कार्यक्रम है। जी आशुतोष, देसी शराब की बिक्री पूरी तरह से बैन हो चुकी है बिहार में, वो कहीं नहीं बिक रही है। ताड़ी की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा है, और अगर बात करें शराब पीने की तो उस पर भी सरकार के विभिन्न तरह के पदाधिकारियों की तरफ से संकल्प दिलाया जा रहा है। आपने अभी बिहार पुलिस के संकल्प की बात की, बाकी और कौन कौन से विभाग होंगे जहां ये संकल्प लिया जाएगा, और क्या विधायक भी संकल्प लेंगे? क्या बिहार में जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी संकल्प लेंगे इसका? देखिए, विधायक और विधान परिषद के सदस्य संकल्प ले चुके हैं विधानसभा सत्र के दौरान में, और अब तैयारी ये है कि जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर और सचिवालय स्तर तक पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को ये संकल्प दिलाया जाएगा कि वो शराबबंदी के इस अभियान में शामिल हों। चूँकि एक देखा जाए तो बड़े मार्केट के रूप में बिहार निकल कर सामने आया था जब शराब की बात होती थी, और राजस्व भी सरकार को बहुत प्राप्त होता था, लेकिन अब
जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक शराब बंद होनी है, और चूंकि जब तक अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि खुद इस अभियान में शामिल नहीं होंगे तब तक इस पर पाबंदी पूरी तरीके से पाबंदी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है कि हम लोग अभी फिलहाल देसी शराब पर पाबंदी लगा रहे हैं और आने वाले समय में विदेशी शराब पर भी पाबंदी लगेगी। ऐसे में लोगों को अभी से अपनी मानसिकता, अपनी सोच बदलनी होगी। और चलिए, सोच में बदलाव का ही ये संकेत है आशुतोष कि अब बिहार पुलिस के जवानों ने संकल्प लिया है कि वो अब कभी मदिरापान नहीं करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। तो संकल्प लिया गया है, लेकिन संकल्प का पालन कितना होता है हमारे देश में, जरा उसकी भी वानगी देखिए। सुबह को कसम खाई और शाम को दिल ने इतना बेचैन कर दिया कि तोड़ दी कसम। जी हाँ, ऐसा ही देखने को मिला नालंदा में। दरअसल सोमवार को राज्य भर में पुलिस के जवानों ने शपथ ली कि वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। बिहार शरीफ भरावपुर मोहल्ले में शराब के सरकारी दुकानों पर लोगों की लंबी कतार लगी रही, लोगों को वोटर कार्ड पर शराब दी गई। इस बीच पुलिस के करीब 10 जवान भी शराब खरीदते नजर आए। पुलिस वालों ने दुकान की ग्रिल ही बंद कर दी, बड़े आराम से शराब की खरीदारी की। अब जो लोग शराब न पीने की शपथ ले रहे हैं वो भी शराब पी रहे हैं, तो भला किस तरह शराबबंदी के कानून को सख्ती से लागू किया जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है। लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है। और बिहार की दूसरी बड़ी खबरों पर भी नजर डालें तो आज 11:30 बजे से बिहार के नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का आज जनता दरबार है। दो बड़े मुद्दे, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी अहम बैठक होनी है, बिहार कैबिनेट की आज बैठक है। इसके बाद नेता, अगर आपको बात करें सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी नेता है, उनका आज जनता दरबार लग रहा है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और सुशील मोदी का भी जनता दरबार है। देखिए, बहुत अहम मामला है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे होंगे वो जनहित से जुड़े एजेंडे होते हैं, उस पर सबकी निगाहें होंगी ही। नीतीश कुमार, ये चर्चा है कि नीतीश कुमार भी पत्रकारों से बात करेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से एक बात सामने आई कि शरद यादव अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में नहीं खड़े होंगे, अब नीतीश कुमार सामने आएंगे और जेडीयू को लीड करेंगे। तो इन बातों को लेकर के हो सकता है नीतीश कुमार अपनी कुछ अगली रणनीति का खुलासा करें और इस संदर्भ में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, पत्रकारों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा सुशील मोदी का जनता दरबार है। आमतौर पर सुशील मोदी लोगों से मिलते हैं मंगलवार, और चूंकि डिप्टी सीएम जब थे वो उस वक्त से ही लगातार लोगों से मिलते रहे हैं, और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के नाते वो लोगों से मिलते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा और आज की गतिविधि होगी, और नीतीश कुमार पर खास तौर से सबकी नज़रें टिकी होंगी कि कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले होते हैं, किन फैसलों पर मुहर लगती है। साथ ही साथ नीतीश कुमार अपने नई रणनीति, राजनीतिक रणनीति, पॉलिटिकल जो उनका अगला क्या स्टैंड होगा, जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, उस पर भी खुलासा कर सकते हैं, उस पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, 10 अप्रैल को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली में, और उसमें शरद यादव इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, इसका उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है। तो अब नीतीश कुमार की दावेदारी पुख्ता मानी जा रही है। आशुतोष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश, जो चर्चाओं का बाजार है वो इसी आधार पर है कि नीतीश अब जेडीयू को लीड करेंगे, क्योंकि अभी ये भी चर्चा है कि आरएलडी के साथ जेडीयू मिलकर नई पार्टी बनाने की कोशिश करेगी और उस पर भी कई बातें हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कितना सक्सेस हो पाएगा, चूँकि चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही अभियान चला था, समाजवादी पार्टी आरजेडी और जेडीयू को एक साथ मिलाकर एक मंच पर लाकर जनता दल को फिर से, तो मतलब अलग ही तरह की सियासत इस बार देखने को मिलेगी। हो सकता है आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए।
इधर रांची में सीएम रघुवर दास प्रोजेक्ट भवन में आज भी कई विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सूचना भवन में 10 बजे सीएम रघुवर दास जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वो जनता की शिकायतें सुनेंगे और तत्काल उसका निपटारा भी किया जाएगा। तो संबंधित विभागों के तमाम सचिव मौजूद रहेंगे आज मुख्यमंत्री रघुवर दास के जनसंवाद कार्यक्रम में। भी कई तरह की चर्चा होने की संभावना है, जनता की शिकायतें सुनेंगे और तत्काल उसका समाधान भी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है और क्या कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं आज झारखंड से? जी राहुल, बता दूं कि मुख्यमंत्री 10 बजे जो है जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये जो कार्यक्रम होता है, इसमें जो शिकायतें होती हैं जनता की, वो अपनी शिकायतें लेकर के इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जब जनता जो है सारे दरवाजे नॉक कर लेती है, शिकायतों का निपटारा नहीं होता है, तो अंत में जो है मुख्यमंत्री ही एकमात्र सहारा है। और इसी कारण से जो जनता इसमें दूर दूर से पहुँचती है अपनी शिकायतों को लेकर, और मुख्यमंत्री भी उनकी शिकायतों पर कहीं ना कहीं खड़ी उतरने की भरसक कोशिश करते हैं और तत्काल जो है जो शिकायतें तत्काल निपटारे के लायक होती है उनका तत्काल निपटारा होता है। इसके अलावा जो अगर कहीं किसी काम में अगर अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो मुख्यमंत्री सीधे उन्हें जो है कड़ी फटकार लगाते हैं। पिछली कई बार की जो जनसंवाद कार्यक्रम में ये देखने को भी मिला है कि मुख्यमंत्री जो है डायरेक्ट जो है चाहे वो जिले के SP हो या DC हो, उनको तत्काल जो है एक्शन लेने को कहते हैं और कड़ी फटकार भी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की जो शिकायतें हैं वो इस मंच पे आकर के कहीं सुलझती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो प्रोजेक्ट में जो है अहम बैठक या कहें कि समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें जो है स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, श्रम नियोजन, कौशल विकास और नगर विकास विभाग की, इन महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक है। कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने टास्क दिया था और इसके पहले भी जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो कार्य जो कहा जाए कि जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की थी। अब चूंकि नया वित्तीय वर्ष है तो इसमें कल जिस तरह से टास्क दिया है, अब आगे इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना है इसको लेकर के वो समीक्षा करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे। कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री का कड़े तेवर रहे कि जो भी अधिकारी अगर काम में लापरवाही बरतते हैं तो वो VRS ले लें। कहीं ना कहीं राज्य सरकार यह कहे कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य में जो है विकास की जो रफ्तार है वो जो है तेज गति से दौड़े, लोगों तक विकास पहुंचे, क्योंकि ये बहुमत की सरकार है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब विकास जनता को कहीं ना कहीं विकास करके देना होगा, दिखाना होगा, तभी जो है आगे जो है सत्ता में बने रहने का जो है कहे रास्ता खुलेगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज जो ये समीक्षा बैठक होनी है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें जो है मुख्यमंत्री जो है जो जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं, सचिव हैं, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से कल टास्क दिया था उसी तरह आज जो अब तक जो योजनाएँ कौन कौन योजनाएँ को प्रमुखता से लेनी है, किनको किस लेवल तक पहुंचाना है, इन सारे बातों की समीक्षा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ रांची से जुड़ने के लिए। 10 बजे जनसंवाद कार्यक्रम सीएम का और महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित चर्चा भी लगातार झारखंड में जारी रहेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रांची में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के सचिव शामिल हुए। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये निर्देश दिया कि विभागीय सचिव अब हर सप्ताह में 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे ताकि विकास योजनाओं की समीक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। दरअसल वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखंड सरकार बजट राशि का 85% खर्च कर पाई थी, लेकिन अब राज्य सरकार का टारगेट है 100% लक्ष्य हासिल करना।